नमस्कार प्रणाम, मैं इंद्र दमन तिवारी हूँ। स्वागत करता हूँ सभी का अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी 3 इयर्स और 5 इयर्स कोर्स का एग्जाम चल रहा है और हम लगातार बात कर रहे हैं एलएलबी 3 इयर्स 5 इयर्स कोर्स के आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 3 इयर्स का जो अगला पेपर है कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका अगला पेपर है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, उसकी बात हमें करनी है अपने इस वीडियो में कि कॉन्ट्रैक्ट के जो सवाल हैं वो कैसे कैसे आने हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। 4 यूनिट में आपका सिलेबस है टोटल। पहली यूनिट में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन है उसके बारे में चीज़ें हैं। आपको ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, कंसिडरेशन, इन सब चीज़ों की डेफिनेशन देखनी है। कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस के लिए क्या चीज़ें हैं। और जो आपकी सेकेंड यूनिट में है कैपेसिटी, सेकेंड यूनिट में ही कंसिडरेशन इसेंशियल है, प्रिविटी है, एक्सेप्शन वगैरह है। और थर्ड यूनिट जो आपकी है वो डिस्चार्ज एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी को लेकर के है। और चौथी यूनिट जो है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर, एंटीसिपेटरी ब्रीच है या क्वांटम मेरिट वगैरह है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो फोर्थ यूनिट में है। अब हम एक एक करके अगर यूनिट वाइज या सीधे सवालों की बात कर लें तो जो आपके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल होता है वो होता है ऑफर और प्रपोजल वाला। ऑफर प्रपोजल में आपको ऑफर की डेफिनीशन, जिसको प्रपोजल भी कहते हैं, ऑफर या प्रपोजल की जो डेफिनीशन है, कैसे उसको कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उसकी एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस की क्या कंडीशंस होती हैं, तो ये जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, ये सब क्या होता है। तो आप जो ऑफर वाला जो पूरा पोर्शन है उसको एक्सेप्ट होने तक, ऑफर के कम्युनिकेशन से लेकर के ऑफर के एक्सेप्टेंस तक पूरा जो पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। दूसरा जो सवाल है वो कंसिडरेशन से रिलेटेड है। कंसिडरेशन जैसा सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइंड है प्रतिफल, कि किसी चीज़ के एवज में किया गया कुछ काम या कुछ, जिसको हम धन अक्सर धन समझते हैं, मूल्य समझते हैं, लेकिन धन मूल्य के अलावा भी कंसिडरेशन कुछ और भी हो सकता है, जिसका जो अर्थ है वो मूल्य जैसा हो। तो जो दूसरा सवाल है वहाँ पर कंसिडरेशन से रिलेटेड आने की उम्मीद है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखिएगा, प्रिविटी टू कंसिडरेशन भी देखिएगा, और साथ साथ एक जो सूत्र है कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, प्रतिफल के बिना करार शून्य है। तो क्या प्रतिफल के बिना भी करार हो सकता है? सेक्शन 25 में 3 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, उन तीनों एक्सेप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। तो दूसरा सवाल आपका हो गया कंसिडरेशन का। तीसरा सवाल आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे हम कैपेसिटी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, संविदा करने के लिए सक्षमता पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज़ हम लोग बार बार कहते हैं कि मेजॉरिटी मीन्स कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो दोनों पार्टी सक्षम हों और वो कैपेबल हों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब ये कब हो सकता है? जब वो दोनों मेजर हों, वयस्क हों। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या अवयस्क जो है, मतलब जो माइनर है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है? तो एग्रीमेंट जो है माइनर का, उसकी सिचुएशन पोजीशन क्या रहेगी? और जब माइनर का आप एग्रीमेंट या माइनर के एग्रीमेंट की सिचुएशन पढ़ते हैं, क्या वो वैलिड होगा, क्या वो वाइड होगा, क्या वो वाइडेबल है, क्या वो अगर उसके लिए बेनिफिशियरी है तो उसकी क्या स्थिति है, अगर वो उसके लिए हार्मफुल है, अगर उसको उसका नुकसान हो रहा है, उसको कुछ वापस करने की नौबत आ रही है, तो क्या स्थिति होगी? तो ये दोनों स्थितियों में जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर का एग्रीमेंट है, उसके इफेक्ट को लेकर के आपको तैयार रहना है। और साथ ही साथ माइनर का जो आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं उसमें आप जो केस है मोहरी बीबी धर्मदास घोष का है, या आप कुछ केस लॉस तैयार करके आइएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो थर्ड यूनिट है वैलिडिटी, डिस्चार्ज एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सबसे पहले जो सबसे नीचे लाइन है ब्रीच, एंटीसिपेटरी एंड प्रेजेंट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही साथ जब हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट का मतलब कि दोनों पार्टी जो है वो किसी फ्रॉड के अंतर्गत, मिसरिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत, कोअर्शन के अंतर्गत, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंतर्गत या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत ना हो, दोनों पार्टीज के साथ ये चीज़ ना हो रही हो, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ फ्रॉड करके कंसेंट ना ले रही हो, तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वाइडेबल हो जाते हैं। ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो वाइडेबल हो जाते हैं। तो इसका वाइडेबल, ये फ्री कंसेंट वाली बात को पूछा जा सकता है, या सीधे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर एक फ्रॉड, एक चीज़ में से रिप्रेजेंटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस करके एक चीज़ को आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ से दो सवाल, एक तो फ्री कंसेंट वाली बात, और दूसरी इसी के साथ साथ में जो ब्रीच वाली बात है एंटीसिपेटरी। जब आप एंटीसिपेटरी ब्रीच वगैरह पढ़ रहे हैं तो क्वांटम मेरिट भी पढ़ करके जाइएगा, एक मैगजीन है क्वांटम मेरिट। उसके बाद हम अगर फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ें तो वहाँ पे जो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो अनजस्ट इनरिचमेंट के मैगजीन पर आधारित है, कि किसी अन्य के धन पर किसी दूसरे व्यक्ति को अमीर या धनी नहीं होने दिया जा सकता है,
मोसेस वर्सेस मैकफरलन का केस है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72 तक है, जिसको कल्प संविदा बोलते हैं, हिंदी में कहें तो कल्प संविदा कहते हैं, जो होता तो हुबहू कॉन्ट्रैक्ट जैसा है लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो नहीं होती हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हम शुरुआत में पढ़ते हैं जबकि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वहाँ पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ऑफर करता है, दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, फिर उसमें प्रॉमिस हो जाता है, उसमें कंसिडरेशन जुड़ता है, वो एग्रीमेंट हो जाता है, फिर वो एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिएबल बाई लॉ है सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जैसे एक एग्जाम्पल देखें तो सेक्शन 71 फाइंडर ऑफ गुड्स, सड़क पर कोई सामान पड़ा हुआ है, अगर मैंने उसको उठा लिया है तो एक तरीके से मैं अब आपको या तो वो वापस करने के लिए बाध्य हूँ या तो मैं वहीं छोड़ करके आगे चला जाऊँ। तो 71 जैसे हो गया, 68 से 72 के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ करके जाइएगा और यहीं से आपको अच्छा क्वांटम मेरिट फोर्थ यूनिट में, मैंने पहले बोल दिया लेकिन फोर्थ यूनिट से आपके लिए क्वांटम मेरिट भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से अगर हम बात करें तो ऑफर एक्सेप्टेंस प्रपोजल ये जो सब मिला करके एक सवाल यहां से, दूसरा जो सवाल है कंसिडरेशन का, कंसिडरेशन की मीनिंग से लेकर के प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, लेकिन क्या स्थिति है कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके बाद माइनर की पोजीशन का सवाल, एक सवाल फ्री कंसेंट से, और फ्री कंसेंट में जो मैंने कहा कि वाइडेबल एग्रीमेंट है, आपसे वाइडेबल एग्रीमेंट करके भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो इम्पॉसिबिलिटी का एक सवाल, इम्पॉसिबिलिटी बोले या बोले कि जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन का जो डॉक्ट्रिन है कि अगर जो जो ऑब्जेक्ट है, जो विषय वस्तु है, अगर वही फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या 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 अर्थ रह जाता है, तो 56 वो भी देखिएगा। उसके बाद एंटीसिपेटरी बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और क्वांटम मैरियट, कई बार ऐसा हुआ है जैसे 68 से 72 को हम लोग बार बार कल्प संविदा बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक आपको एक सूत्र लिखा मिल जाता है कि सारे जो करार है उसके लिए कुछ बोले तो उसको फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन ऐसे कौन से करार हैं जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, तो आप चौक मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ लेकिन कहता हूँ अक्सर लोग चौक जाते हैं कि ये कौन सा सवाल आ गया, ये कैसे, तो एक बार सवाल को पढ़िएगा ज़रूर। ऑफर से सवाल है तो सीधे जनरल ऑफर लिख करके आ गया, उसके बाद आपको वो सवाल लिखा हुआ है जो आपको आप तैयार करके गए हैं, लेकिन जनरल ऑफर को देखते ही आप थोड़ा सा चौंक गए कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा है। तो प्रयास करिए कि एक बार पेपर को सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए और चीज़ों को रिकॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका आप सबसे मजबूत हैं, जो सबसे सही आपको आ रहा है उसको टिक करिए और प्रयास करिए कि 3 से 4 पेज में अपना सवाल जो आपका जवाब है उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें सेक्शन बेस्ड होती हैं, चीज़ें इलस्ट्रेशन बेस्ड होती हैं या केस लॉ बेस्ड होती हैं। केस लॉ कितना लिखें, कई बार लोग पूछते हैं केस लॉ कितना लिखें, तो अगर आप एक लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं और आपने उसमें कम से कम 3-4-5 हेडिंग डाली हैं, तो प्रयास करिए कि उन 3-4-5 हेडिंग में एक एक केस पड़ जाए। अगर लॉन्ग आप लिख रहे हैं तो लॉन्ग मीन्स कि अगर आप एक बड़ा सवाल लिख रहे हैं, लेकिन अगर ए बी करके सवाल है तो आप उसमें एक केस दो केस करके भी ख़त्म कर सकते हैं अपनी बात। तो कल कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में जो भी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, जो भी लोग शामिल हो रहे हैं, उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और प्रयास रहेगा, उम्मीद रहेगी कि आपको इस वीडियो से मदद मिले, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जुड़े रहिए, जो भी आपका नया टॉपिक होगा, जो भी आपका नया विषय होगा, उस पर वीडियो लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम।